दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एयरलाइट 103 जो काम कर रहा हूँ उसकी जानकारी देने वाले हैं। आपको दिखाएंगे उसमें हमने क्या क्या लगाया, कैसे कैसे बनाया, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आओ, एयरलाइट 103 तैयार हो चुका है। इसमें खाली इंजन लगाना रहना है। एयरलाइट 103 का डायना है ये बैलेंस बनाने के लिए। इसमें अभी वायर रह रही है, यहाँ वायर आएगी, यहाँ से अंदर से उधर से लीवर पे से वायर आएगी। ये बिल्कुल इसमें से अंदर से वायर आएगी, यहाँ से वायर आके ये इसको लेफ्ट राइट करेगी। बैलेंस बढ़ाने के लिए ये मैंने इसमें लगाया है। लैंडिंग का, टेक ऑफ का, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे नट बोल्ट लगाए मैंने। ये यहाँ पे एडजस्टमेंट में इसको आगे पीछे एडजस्ट करना, जहाँ पे मांगेगा वहाँ देंगे। बाकी दिया है, नीचे वायर है, ये पीछे की वायर जा रही है, ये लीवर को कंट्रोल करती है। यहाँ से ये पीछे के रडार को कंट्रोल करेगी। और ये सिस्टम हो गया ऊपर का आने के लिए, जिससे ये उड़ान भरेगा। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको ये किस तरह काम करेगा। ये कंप्लीट हो चुका है, खाली इसमें इंजन लगाने रह रहा है। काफ़ी धूल मिट्टी में गंदा हो रहा है, इसको किसी दिन पानी से धुलाई करेंगे और तभी अच्छा सा दिखेगा। अभी हम बना रहे हैं तो ये धूल मिट्टी यहाँ पे बहुत है और ये पूरी इसकी हालत ख़राब हो गई है। अब आओ इधर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये डिजाइन हो गया, ये वायर मैंने डाली है ऊपर इसके लिए वेट बैलेंस का, इसका पूरा वो करने के लिए। ये इसके अंदर भी वायर है, इसके अंदर भी वायर डाली है मैंने ताकि ये झटका लगे तो टूटे ना। ये लगाए मैंने बैलेंस के लिए ताकि इसको वाइब्रेशन ना करे, इसको नीचे झुकने ना दे। और मैं इसको बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये पूंछ को कंट्रोल करेंगे, पैर है मेरे जैसे, मैं इसी पे अभी सीट सही ढंग से नहीं लगाई है मैंने, थोड़ी नीचे बैठ बोला थोड़ी नीचे बैठ। ये हैंडल है इसका, अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो ये बैलेंस बनाएगा, मतलब कि ऐसे ऐसे पंख करेगा लेफ्ट राइट, जिस तरह से ये बैलेंस बनाएगा वो ये सिस्टम है कि ऐसे ऐसे लीवर चलाऊंगा तो ये बैलेंस बनाएगा। और मेरे को अगर लैंडिंग करनी है, टेक ऑफ करना है, तो मैं ऐसे लीवर खींचूंगा पीछे को, पूरा सिस्टम ये काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये उड़ना स्टार्ट, ऐसे टेक ऑफ करने के लिए ऐसे करूँगा, जैसे ही उड़ना स्टार्ट होएगा तो मैं इस लीवर का मैच करके ऐसे, फिर इसको लेफ्ट राइट जो भी ये मांगता रहेगा उसके हिसाब से हम उसको देते रहेंगे। और ये टेक ऑफ कर लेगा, ये रडार चलाने के लिए पीछे का, देखो ये नीचे की वो भी पैर अगला पहिया भी मोड़ेगा और पीछे का रडार भी चलाएगा। देखो ये पूरी तरह बहुत ही मेहनत करके बनाया है, इसमें इंजन लगाएंगे। अभी इंजन मेरा बाकी रह रहा है, इंजन में अपना KTM मोटरसाइकिल का ही इंजन लगाऊंगा। बाहर से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी है मैंने, हर चीज़ अपने देश की है, मैं भारत का वासी हूँ। झंडा देखो मेरा आगे लग रहा है, झंडा हमारे देश का झंडा लग रहा है। ये देश है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट 103 का वो मॉडल बना रहे हैं। भारत के अंदर भी 103 बन चुका है, जब ये उड़ेगा तब हम आपको दिखाएंगे अच्छी तरह। इसमें रिस्क तो बहुत बड़ा है लेकिन रिस्क भी झेलेंगे, अगर हम रिस्क नहीं झेलेंगे तो ये कैसे उड़ पाएगा, कैसे हमको पता चलेगा कि ये काम कर रहा है। ठीक है, करेक्ट पोजीशन में बनाया है, जिस तरह हवाई जहाज का होता है। ये मिनी हवाई जहाज है, इसका 200 किलो वजन है, 200 मतलब 2 क्विंटल वजन है, और 80-90 किलो वेट मेरा है। हम 300 किलो का वेट करके इसको फ्लाइंग करेंगे। ये इंजन लगा के
पूरा 200 किलो होगा या 190 किलो, बाकी 90 किलो वेट मेरे में है, तो यही है 300 किलो के हिसाब से पूरा देखो। इसकी शेप देखो दोस्तों, मैंने कितनी अच्छी डिजाइन करी है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये उड़ान भरेगा कि वैसे ही मैं बना रहा हूँ। देखो ये पूरा काम करता है, लीवर है इसका, और ये पूरा इसका ये पीछे का वो है गड्ढा, ये पूरा काम करेगा। ये लेफ्ट राइट का ये है, अभी थोड़ा जाम से हो रहे हैं लेकिन ठीक हो जाए। ये मेड इन इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया भारत का झंडा, मैं भारत का वासी हूँ, मैंने बहुत मेहनत करके ये हवाई जहाज बनाया है। ये मैंने यहाँ पे पीछे के रडार के जो पीछे का टेल होती है उसके लिए मैंने यहाँ पे एडजस्टर लगाए, एडजस्टर इसमें तीन छेद करे हैं, अगर ये आगे पीछे भी होता है तो इसका बैलेंस बना सकते हैं। ये सीधा होना चाहिए, इसके लिए यहाँ से भी बैलेंस बन जाता है, सीधा हो जाता है। और ये पीछे का ये हैंडल जो मैंने बनाया है करेक्ट एकदम वैसे ही एयरलाइट 103 का ही। हम दोस्तों किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, पैटर्न तो जरा सा वो हो जाए उसी में टूट जाता है पैटर्न, पैटर्न का अब कोई अर्थ नहीं है कि हमने डिजाइन चुरा लिया या हमने कोई ऐसी चीज कर ली। अपनी मेहनत से कुछ भी बनाओ कोई वो नहीं है, आप पहले सही ढंग से बनाओ तभी आपका उड़ान भरेगा। अगर आप पैसे नहीं लगाओगे, सही से नहीं उड़ाओगे बनाओगे तो उड़ेगा कहाँ से। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये स्प्रिंग लगाई है, ये स्प्रिंग अगर रडार में एक तरफ तार डाला हुआ है वापस करने के लिए स्प्रिंग होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको स्प्रिंग दी है ताकि इसको ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत ना हो। ये है ही टेक ऑफ लैंडिंग के लिए, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, मैं पहले इसको ऐसे उड़ा के देखूंगा। और यहाँ पे अभी इसका इंजन फिट होगा, यहाँ पे ये पूरा मैंने क्लीन करके बढ़िया तरह से डेकोरेशन करके बनाया है ताकि देखने में लगे हाँ भैया हवाई जहाज है, कोई ऐसे अल्लू पल्लू ने नहीं बना दिया है नहीं। तो और मैंने ये डिजाइन डाला है देखो, अलग से डिजाइन डाला मैंने इसमें, ये एक वायर आ रही है इसको चलाती है, ये टेल दोनों साथ में चलेगी। जब ये दोनों साथ में चलेंगी, अगर मान लो बैलेंस बिगड़ रहा है, एक टेल काम कर रही है, एक तार कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो ये मैंने दोनों एक जगह जोड़ दिए देखो यहाँ पे, और ये इस तरह जोड़ दिए, ये दिखाओ, एक जगह मैंने ये जोड़ दिए हैं ताकि दोनों टेल एक साथ चले। विदेशी में वो अलग अलग थी लेकिन हमारे यहाँ ये मैं चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने दिमाग लगा के इस दोनों टेलों को एक जगह कर दिया ताकि ये ऊपर नीचे ऐसे हो सके। ये देखो लीवर पूरी तरह चलेगा, ये ऊपर नीचे करेगा, अगर मान लो एक वायर टूट जाती है तो एक काम करेगी, अगर हम हवा में है कोई घटना होती है तो हम बचाव के लिए एक वायर एक्स्ट्रा हमारे पास ये है। बाकी ये रडार है पीछे का, ये चलाएगा उसको लीवर को। पाइप मैंने लगाया है 1.25 इंची का पाइप है, ये नीचे 1.25 इंची का, ये 1.5 इंची का पाइप है, ये इसके सपोर्ट के लिए है। जब हम इसे खोलेंगे और जहाँ पे इसकी उड़ान भरेंगे वहाँ इसको उसी तरह से फोल्डिंग, मतलब बहुत ही ईजी है इसको पैक करना और वो करना फोल्ड करना। इसमें मैंने हर जगह नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैंने इस्तेमाल किया है नट बोल्ट, यहाँ पे ये हर जगह इसका नट बोल्ट का काम है, वैसा कोई भी काम नहीं है कि इसमें कहीं वेल्डिंग किया हो इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है दोस्तों, खाली नट बोल्टों पे पूरा हवाई जहाज बना हुआ है। इसको एक एक ट्राट अलग अलग खुल जाता है और फिट भी हो जाता है, उसी हिसाब से हमने बनाया है ताकि इसमें कोई बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम इसको इंजन लगाएंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे इंजन लगाएंगे, यहाँ पे पंखा घूमेगा, अभी हमारे पास पंखा नहीं है, ये पंखा पूरा प्रेशर नहीं देता है, और इंजन यही लगाएंगे हम KTM मोटरसाइकिल का। ये हैंग ग्लाइडर जिसे मैं उड़ाता हूँ उसी का, जिसे मैं उड़ाता हूँ यही हैंग ग्लाइडर है, हैंग ग्लाइडर हमारा किसी ने नहीं पूछा। अब की बार हम एयरलाइट 103 का मॉडल बना रहे हैं ताकि कोई हमें पूछे और समझे कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेहनत से भी आगे मेहनत करता हूँ ताकि मेरा काम सफल हो और मुझे सफलता मिले। अभी तक जितना भी मैंने काम किया है
एयरलाइट में क्या हो, एयरक्राफ्ट में क्या बोलते हैं, हवाई जहाज हो या हैंग ग्लाइडर, बड़े अच्छे से काम किया है। मैं हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। विंग का जो डिजाइन है उसको बनाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसका भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन काम करेगा, मुझे विश्वास है। अगर किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है इस चीज़ का कि ये चीज़ काम करेगी। ये मेरे पास ये पेपलर है, ये मैंने दिखावट के लिए बना रखा है। अभी मेरे पास दूसरा पेपलर बनाऊंगा जो उसमें लगेगा, यही इंजन मैं निकाल के उसमें लगाऊंगा। इसी 60 किलो का इंजन है, KTM मोटरसाइकिल 390 277 cc का इंजन होता है, 42 HP इसकी हॉर्स पावर है, यही इंजन लगेगा। बहुत से लोग वहाँ कमेंट करते हैं मेरे को कि जी ये आपका कैसे, आपने मतलब उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है अगर मेरे पास रनवे अच्छा हुआ तो ये जरूर काम करेगा, जरूर उड़ेगा। इसको इसी तरह इंजन निकल जाएगा और इसको ऐसे हैंग ग्लाइडर में हम कल फिट करेंगे और आपको दूसरी वीडियो बना के दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों मेरा यूट्यूब देखने के लिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि मुझे भी कुछ पैसा देना मिल जाए। अभी तक मुझे कोई देखता नहीं है, ना ही मेरा कोई चैनल लाइक और सब्सक्राइब कभी करते हैं लोग बाग। अगर कोई डिस्को डांसर होता, गायकार होता तो वो बहुत अच्छे से लाइक कर देते, वो कर देते, लेकिन मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है जो मेरे पास है, जिसको मैं बना रहा हूँ। सफलता मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन मैंने मेहनत पूरी करी है, मेरी मेहनत सफल जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। सबसे बेन चीज है हिम्मत। आप अगर इससे उड़ा रहे हो और हिम्मत नहीं दिखाई तो ये बीच में ही टूट जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए जिगरा और हिम्मत की बहुत जरूरत है। अगर आप उड़ रहे और डर गए तो मुश्किल ही है कि ये उड़े। उड़ने के लिए अभी मैं देख रहा हूँ बहुत जगह कई लड़के हैंग ग्लाइडर बना रहे हैं, जरा सा भी वो उड़ाते हैं और वो हिम्मत आ रही है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ हिम्मत मत हारो, पूरी ताकत लगा के उसे उड़ाओ। अगर वो 10-5 फुट तो उड़ेगा, लेकिन आपको पता तो चलेगा हाँ भी मेरा ये विंग फ्लाइंग कर रहा है या मेरा हैंग ग्लाइडर बन रहा है। इस तरह से उसको फ्लाइंग कराओ 10 फीट 5 फीट, ये नहीं है कि आप एकदम से 500 फीट चले जाओ, 5-10 फीट ही उड़ाओ। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।